अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दिखा रही हूँ किस तरह से आप हिजाब तैयार कर सकते हैं नमाज के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने कपड़े को पहले फोल्ड किया है। यहाँ पे मैं पहले लूँगी लंबाई, आप ले आपका जितना है। मैं यहाँ पे 1 ईयर बेबी के लिए कर रही हूँ। अम्ब्रेला ड्रेस के लिए हम जिस तरह से राउंड शेप देते हैं, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे एक शेप देना है। और ये यहाँ पे मैं क्योंकि मेरी जो फेस है, आप लोगों की फेस की जो माप है उसका हाफ लेना है। यानी कि अगर आपका फेस है 8 तो लेंगे आप 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है। 4 लेकर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे का वो मैं सिलाई कर लूँगी। तो अब मैं इसे काट लेती हूँ। और अब मैं जो करूँगी, मुझे यहाँ पे और एक पीस लगेगा, मैं आप लोगों को वो करके दिखा। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके लिया है। फोल्ड करा यहाँ, ये है मेरी 3 यहाँ पे मैंने लिया है 2 मेरी फेस के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ से भी 2 इंच लूँगी। लेकर यहाँ से मैं हैंड से इस तरह से एक शेप दे दूँगी। उसके बाद इसे काट के यहाँ पे मैं इसे जोड़ लूँगी, यहाँ पे इस तरह से। मैं यही चीज़ आप लोगों को फैब्रिक पे भी करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा आई होप। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बताइए, और अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में ना आए वो भी मुझे कमेंट के दौरान बताइए, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ ये 1 ईयर बेबी के लिए 13 मैं ले रही हूँ, आप अपना लेना। इस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 1 ईयर बेबी के लिए, तो आप लोग उसी अंदाज से आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ जो लेंथ है वो 12 या फिर छोटा करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेस के लिए लिया हूँ, मेरी है 5 आती है, तो मैं हाफ लिया है, 2.5 इंच लिया है। और ये जो लाइन है 1 इंच हाफ इंच का, ये यहाँ पर मेरी सिलाई होगी। पहले मैं इसे जिगजैग सिलाई दूंगी, इस तरह से 2 टाइम मुझे फोल्ड करके इसे जिगजैग सिलाई करूंगी। और यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक लिया है जो मेरी फेस का ऊपर जो का जो हिस्सा है वो, तो यहाँ पे मैं लूंगी 2.5। और यहाँ से भी मैं लूंगी 2.5। लेकर इसे मैं स्ट्रेट लाइन दे देती हूँ, उसके बाद इसे काट लेती हूँ। और यही है मेरी सेंटर। सेंटर को मैं इस तरह से रख कर यहाँ पे मैं इसे अटैच करूँगी। ये 3 कोने जो है मैं इस तरह से पहले इस साइड को, उसके बाद और एक साइड जो है वो भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इजी कुछ मेथडों से आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप लोगों को सब लोगों को धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, बाय।